दोस्तों, जब भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाकर एक नया देश बनवाया था, तब पाकिस्तान भी हमसे बदला लेने के लिए भारत के दो टुकड़े करवाना चाहता था। इसके लिए उसने पंजाब के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और वहां के लोगों को खालिस्तान नाम का एक अलग देश बनवाने के लिए भड़काने लगा। इसके लिए उसने भिंडरांवाले को गन की सप्लाई देने लगा और एक बार अपने हजारों सैनिकों के साथ गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया। इंदिरा गांधी ने इस स्थिति को देखते हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च कर दिया। आर्मी की एक टुकड़ी को गोल्डन टेम्पल भेजा गया। शुरू में जब आर्मी सीधे गोल्डन टेम्पल में घुसने लगी तो आर्मी को बहुत नुकसान हुआ। बहुत से आर्मी के जवान मारे गए क्योंकि भिंडरांवाले के पास रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन सब थे। तब इंडियन आर्मी ने अपने टैंकों को बुलाया और टैंकों से हमला करके भिंडरांवाले के 500 से अधिक सैनिकों को मार दिया। इस हमले में गोल्डन टेम्पल के आगे का हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। इससे सिख समुदाय के लोग बहुत नाराज हुए और जगह जगह पूरे देश में हिंसा होने लगी। और 3 महीनों के बाद इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड ने उनको गोली मार दी।